लू तेरे को नंबर दिया हुआ तो लोगों की बात सुनता है कि नहीं सुनता तू? सर रात को नमस्कार दोस्तों, मीडिया व्यू न्यूज़ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबा के इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें वह अपने दूध वाले से गुड्डू से फ़ोन कॉल कर बात कर रहे हैं। इस वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि सोनू गुड्डू से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे द्वारा किए गए अलग अलग नंबर पर उन लोगों को जवाब देता है जो मेरे तक पहुँचना चाहते हैं। इस पर उनके गुड्डू ने कहा कि जवाब देते हुए काफ़ी हैरान करने वाली है। वो कहते हैं कि हमेशा ऑड टाइम पर फ़ोन कॉल आते हैं, इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। रात को भी कभी कभी आ जाता है फोन। गुड्डू तेरे को नंबर दिया हुआ तो लोगों की बात सुनता है कि नहीं सुनता तू? सर रात को फोन आता है, सुबह सुबह फोन आने लगता है, एकदम 6 बजे उठा नहीं रहो तो भी फोन करते हैं, 4 बजे फोन कर देते हैं, कभी 1 बजे फोन करते हैं। इतना परेशान हो गया, इतना कहने वाली बात नहीं। तो मेरे को भी तो फोन आते हैं लोगों के, मैं भी तो सुनता हूँ, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? लेकिन सर आपका जो है अलग दिमाग है, आपको इतना ये है, हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है ना, हम उतना झेल नहीं पाते। तो कर भी काम, अभी दूध बेचता है तू, मेरा मैनेजर बन के नीचे खड़ा होता है तो फिर दूध पिया कर। आपकी बात मैं मानता हूँ लेकिन इतना मेरे से नहीं होता। हाँ, 1 बजे रात को फोन आ जाता है, ऐसा है ऐसा है, ये काम कुछ काम करते रहता हूँ, हेलो ये सर है कि नहीं, सर कहाँ गए हैं, मेरे को अभी बताओ, मेरे को अर्जेंट है, अभी मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है, ये करके दे देंगे सर, आप लोग पहुँचाते नहीं, मैसेज ऐसा है वैसा है। तो बेटा लोगों की सेवा तो करनी पड़ेगी ना तेरे को। सर मैं करता हूँ, जितना हमसे होता है हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा ही कुछ हो जाता है। क्या फिर फोन आ गया तेरे को मदद का? वही सब फोन रहता है। आप सोनू दास शेयर किए गए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो वीडियो में दूध वाला मास्क लगाए हुए जवाब देते हुए कह रहे हैं कि सुबह के 4 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक लोगों का फ़ोन और कॉल आता है, लोग कभी भी फ़ोन करके आपसे मिलने की बात करते हैं, मैं फ़ोन कॉल से परेशान हो जाता हूँ। इस पर सोनू कहते हैं कि तुम्हें काम तो करना ही पड़ेगा, मैं भी करता हूँ, मेरे पास लोगों का कभी भी फ़ोन आ जाता है। इसका जवाब देते हुए गुड्डू फिर कहता है कि सर मैं आपके जैसा नहीं हूँ ना, इतना प्रेशर नहीं झेल सकता है। उन्होंने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर बड़े मजाकिया अंदाज में शेयर किया है। वो लॉफिंग इमोजी शेयर करने के साथ लिखते हैं, मेरे दूध वाले गुड्डू ने भी हाथ खड़े कर दिए, अब वो ज़्यादा प्रेशर नहीं झेल सकता। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं इसे कैसे करता हूँ, आओ एक दिन मेरे साथ रहो। इसी के साथ यूजर्स भी ट्विटर पर मजे ले रहे हैं। सोनू सूद के दूध वाले का वीडियो वायरल हो चुका है। लोग इस वीडियो को देखकर कोरोना काल के दहशत को भूलकर हंसते हुए इस वीडियो के मजे ले रहे हैं। सोनू के पोस्ट पर लोग लाफिंग इमोजी शेयर कर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं कि क्या करें, हर कोई आपकी मदद करना चाहता है। एक और यूजर ने लिखा, बेचारा गुड्डू जिन्होंने बरसों दूध पिला पिला के तरोताज़ा रखा, वहीं ग्राहक का फोन फोन कर करके तेल निकाल रहे हैं। एक और ने लिखा है, ओके भाई आप कहते हैं तो आपके साथ एक दिन कर लेंगे, एक दिन के लिए आपके दिमाग का भी दबाव कम कर देंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बीच लगातार गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। रिपोर्टों की माने तो बच्चे और मोटर एंड स्पीच एरिया में ट्यूमर हो गया था। इस ट्यूमर को निकालने के लिए बच्चे का ऑपरेशन करना था, जिसके लिए 12 लाख से अधिक रुपये की जरूरत थी। रिपोर्ट की माने तो बच्चे के पिता विकास कुमार उकारण ने अपनी जमा पूंजी बेटे के इलाज में लगा चुके थे और उनके पास इलाज के लिए रुपए नहीं थे, साथ ही वो गांव में अपनी ज़मीन बेचने की तैयारी कर रहे थे। इसी वजह से विनीता ने उनकी मदद कर बच्चे की जान बचाई। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।